नमस्कार दोस्तों, एटीएम से निकालते समय कटे फटे नोट आए तो घबराए नहीं, ऐसे बदलवाएं। कैश पैसे निकलवाने के लिए अक्सर सभी लोग एटीएम जाते हैं और फटाफट जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एटीएम से निकले कैश में कुछ नोट कटे फटे होते हैं जिनको लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं। आरबीआई का नियम कहता है कि अगर एटीएम से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबा प्रोसेसर नहीं है, मिनटों में नोट को बदला जा सकता है। एटीएम से निकले फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है। वहाँ जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जिस जगह से निकला है उसका नाम मेंशन करना होगा। एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है। अगर स्लिप नहीं निकली तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे आपको तुरंत दूसरे नोट बदल कर दे दिए जाएंगे। अप्रैल 2017 में आरबीआई ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे फटे गंदे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते। सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे फटे गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा। जुलाई 2016 में आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी शाखाओं पर लागू होता है। आरबीआई के मुताबिक एटीएम से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है, उस एजेंसी की भी नहीं जिसने नोट को एटीएम में डाले होते हैं। नोट में कोई खराबी है तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए। अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो बैंक को नोट बदलना ही होगा। हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बुरी तरह जले हुए टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता है। इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है।